कपार अभागा भलो कहत दुख रो रे लागा। आहे महारानी जी, मेरा तो ये अभागा सिर फोड़ने लायक है महारानी जी, क्योंकि तुम्हारा आयत मुझसे देखा नहीं जाता महारानी जी। कहे झूठ पर बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करो मैं और बैठ जाए आप लोग। हे रानी जू, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा और रहा है। हे रानी जू, आपको तो हम कहब अब ठाकुर सुहाती और ना है तमोन रहब दिन राती। हे रानी जू, अब मैं भी मुंह देखी और ठाकुर सुहाती कहा करूंगी तो नहीं तो दिन रात मौन रहूंगी महारानी जी। उसके लिए आप मौन रहो। कर करो पबिद परवस कीना बाबा सुलोनिया लही जो दीना। हे महारानी जी, विधाता ने मुझे गुरु बनाकर परवस कर दिया है, इसलिए बोया है सो काटती हूँ रानी जी। कौन पहो हो ये हमें का हानी वो चेरी चार हो भयावन रानी। हे रानी जू, कोई भी राजा हो जाए या भरत जी हो जाए या राम जी हो जाए, हम तो दासी की दासी ही रंगी महारानी जू। जा रे योग स्वभाव हमारा अनवल देख न जाए तुम्हारा। आए महारानी जू, तुम्हारा स्वभाव जानने योग्य है क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता महारानी जी। ताते कछुक बात बड़ चूक हमारी। हे रानी जी, हमें क्षमा कीजिए आपसे जो ऐसी बात कही। तुम पूछो मैं कह तो डराओ दरियो मोर घर फोरी नाओ। हे रानी जी, तुम पूछती हो परंतु मुझे डर लगता है क्योंकि तुमने मेरा नाम पहल से घर फूरी रख दिया है। प्रिय सिया राम कहा तुम रानी और राम तुम प्रिय सो फुरबानी। हाय हे रानी जू, आपको तो सीता और राम प्रिय हैं और राम की प्रिय तुम हैं, सो यह बात सच्ची है रानी जू। रहे प्रथम अब सो दिन बीते समय फिरे रिप हो प्रीते। हे रानी जू, जो दिन पहले थे वो निकल चुके, समय फिर जाने पर तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं रानी जू। जार तुम्हारे चय सबत उखारी रूदाओ करे यो पाय बरबारी। हे रानी जू, ये सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, इसलिए इस जड़ को उखाड़ कर समाप्त कर दो रानी जू। अच्छा, तो महल सोच सुहाग बल निज बस जान हो राव ओ मन मलिन मुँह मीठ नप राग और सरल स्वभाव। हे रानी जू, तुमको अपने सुहाग के बल से कुछ सोच नहीं है, महाराज को अपने बस में जानती हो तुम। चतुर गंभीर राम महतारी बीच पायन जबात सवारी। हे रानी जू, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है महारानी जू। हाँ साहब, ये 101 पे का पुरस्कार हमारे पंडित जी महाराज ब्रज किशोर जी खड्डर जी की ओर से मंत्रा और कैकई के संवाद पर देते हैं। बच के रहने भैया पे घर है तो वैसी नहीं आ जाएगा मंत्रा। हे रानी जू, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, मौका पाकर के उसने अपनी बात बना ली है रानी जू। पटे भरत भूपन न्योरे राम मात मत जानवर होरे। हे रानी जू, महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहारे भेज दिया है,
इसमें राम की माता कौशल्या की चाल समझियो रानी जू। राजे तुम पर प्रीत विशेखी सबत स्वभाव सके नहीं देखी। हे रानी जू, महाराज का तुमसे बहुत प्रेम है और सौत कौशल्या के कारण ये सब देखा नहीं जाता। रानी जू तुम समझ काय नहीं रही। बिल्कुल सही कह रही है। दासी, दासी मंत्रा, तू जो कह रही है मुझे तेरी बातों पर विश्वास होने लगा है। तू मेरी भलाई जानकर सत्य कहती है दासी मंत्रा। मैं तो इन सब बातों पर कभी सोचती ही नहीं थी। हे दासी मंत्रा, तू मेरा भला चाहती है। हे दासी, तू मेरा भला चाहती है। तुझको मैंने पहचान लिया। बिल्कुल सही बात है। निश्चय ही कपट धूप में है, ये मैंने सब कुछ जान लिया। मुझको हो भरत लाल का राज तिलक, हो भरत लाल का राज तिलक। वह सरल उपाय बता मुझको, भरत लाल का राज तिलक। तू बैठ और मुझे वही उपाय बता जिससे भरतलाल का राज तिलक हो। दासी मंत्रा, मुझे तेरी बातों पे यकीन हो गया है। निश्चय ही महाराज में खोट है। अब लेने पे आईने का टूटी बहुत। अब गुरी मिसुरी ने जो असत्य कछ कहन बनाई तो विद दे हमें सजाई। ए रानी जू, यदि मैं कुछ झूठ बना कर कहती हूँ तो विधाता मुझे इसका दंड दे। महारानी जू, नहीं दासी मंत्र। जो सत सहत करो सेवकाई तो घर रहो न आन उपाई। ए रानी जू, होगा याद तुम्हें रानी तो पर राजा पर थाती है। मौके पर उन्हें चला देना, मृकी चौकड़ी बुला ले पर। दासी, दासी मंत्रा, कहिए रानी जू। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तो तू मेरे पास आ, मेरे मुझसे बात कर। दासी मंत्रा, हो कर प्रसन्न मैं कहती हूँ। दासी मंत्रा बैठ, तू यहाँ मेरे पास बैठ। हो कर प्रसन्न मैं कहती हूँ, तेरी मत की बलहारी
है। हाँ क्या मजाल है राजा की अधिकार भरत का छीन करे। पर एक बात मैं कहती हूँ करे पर श्री राकेश केवट जी कई मंत्रा पाठ भर देते हैं भगवान उन्हें खुश रख के। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। मंत्रा सदायब ना होगी और कौशल्या की मन मानी अब युवराज बनेगा भरत लाल। मुझे बता रही थी जल्दी से बता। जो सुत सहित करो शिव काई तो गर रहो नयान उपाई। हे रानी जू आप पुत्र सहित कौशल्या की नौकरी करोगी जो कि तुम्हें इस महल में रहना है। तुम्हारा रानी जू कद्दू बिन तहे दीन दुख तुम्हें को चला देव। भरत वंद ग्रह से ये लखन राम के ने। हे रानी जू जैसे कद्दू ने बिनता को दुख दिया है ऐसे ही कौशल्या तुमको दुख देगी रानी जू। सुनो मंथरा बात पर तोरी दाहिने आँख न फरकत मोरी। धसी मंत्र कहिए रानी जी। तू सच कहती है मेरा दाया नेत्र नित्य फड़कता है और मैं रात को बुरे को सपने देखती हूँ पर अपने अज्ञान के बस तुझसे कहती नहीं। क्या करूँ मेरा तो सीधा सो सरल स्वभाव है मैं किसी का दाया बाया कुछ भी तो नहीं जानती। दासी मंत्रा ने हर जन्म भरव भर जाई जियत न करव सवित शिवकाई। दासी मंत्रा कहिए रानी मैं अपना सारा जीवन पीहर में बिता दूंगी परंतु अपने जीते जी सोत की चाकरी कभी नहीं कर सकती। दासी पूछे गुणनद रेग तिन खाची भरत बोहाल हो ये साची। हे रानी जू मैंने गुसाइयों जी को पूछा तो उनने बताया कि मैं लकीर खींच कर कहती हूँ रानी जू कि तुम अब दूध की माखी है गई। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं ना वैसे ही महाराज तुमको इस घर से निकाल देंगे रानी जू। अच्छा परो कोप तब बचन पर सको पोत पत त्याग कहस मोर दुख देख बड़ कस न करब हित लाग। हे दासी मंत्रा तुम उससे कह तो सही आज मैं तेरे कहने से कुएं में भी कूद सकती हूँ पति और पुत्र सभी को त्याग सकती हूँ। तू मेरे इस भारी दुख कर
देखकर जो मुझसे कह रही है उसमें मैं अपनी भलाई समझकर तेरा कहना क्यों नहीं करूंगी दासी मंत्र, तू कह तो सही। तो ये वरदान भूपसन थाती मांग आज जोड़ा पहुंचाती। हे रानी जू, तुम्हारे दो वरदान ध्यान है तुमन को, तुम्हारे दो वरदान महाराज के पास धरोहर हैं, उन्हें मांगकर अपनी छाती को ठंडी कर लो रानी जू। भूपत राम शपथ जब करे तब मांगे हो जाए पचन न टरे। हे रानी जू, महाराज राम की सौगंध खा जाए तब पर मांगना, और आज की रात निकल जाने पर काम बिगड़ जाएगा महारानी जी, एकाएक महाराज का विश्वास नहीं करना। कुंवर हैरान प्राण प्रिय जाने बार बार बड़ बुद्धि बखाने, तय समहित न मोर संसारा बह जात कर भय से अधारा। दासी मंत्र, इस समय दुख के सागर में मुझ बहती हुई को तुम नाव जैसा सहारा हो गई है दासी, सिर्फ तू ही तो है दासी मेरी। दासी हो दासी मैं तो बही जात मझधार करो का जतन बताए। हे रानी जू, कोप भवन में जाइए और बड़ी होशियारी से काम लेना है आपको। बत्तो दई कूट कूट के